नमस्कार दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। भारत के पावर को देख के पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। यहाँ तक कि रशिया, चाइना, पूरा यूरोप थर्रा गया है, क्योंकि भारत के सामने में दुनिया का महाशक्तिशाली देश अमेरिका नतमस्तक हो चुका है। भारत के सामने में घुटने टेक दिया है, बोल दिया है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, हमें बचा लो। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है और यहाँ पे भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है ना, अब यहाँ पे दुनिया बोल रहा है कि भारत को रोकना असंभव है। भारत दुनिया का महाशक्ति बन के रहेगा दोस्तों, क्योंकि अमेरिका जैसा देश जब अपना जान का भीख मांगे, समझिए दूसरा देश का क्या औकात। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखिएगा कर हुआ क्या है। लेकिन इससे पहले बोल दूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूले। और कोई दिक्कत हो तो सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, आसानी से मेरा चैनल टेलीग्राम पे आ जाएगा। अब चले जानते हैं कर हुआ क्या है। दोस्तों आप जानते हैं कमला हैरिस अपने आप को बोलती है हम भारतीय मूल से है, मेरे माता जी भारत की थी, इतना ही नहीं हमारा पूर्वज भारत का है। दोस्तों तरह तरह के बातें करती है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कमला हैरिस चुनाव में जीत गया, खासतौर पर अपने आप को भारतीय बता के। लेकिन उसका मन हमेशा से एंटी इंडिया रहा है और यही बात भारत के तमाम थिंक टैंक कई बार बोल चुका है कि ये अपने स्वार्थ के लिए भारत का नाम लेती है, बाकी तो वो एंटी इंडिया है। भारत के हर मुद्दे पे वो अपना नाक रगड़ती है। इतना ही नहीं, जब CAA लागू हुआ भारत में, उस समय कमला हैरिस ने बहुत बड़ा बड़ा बयान दिया, बोला कि CAA पारित क्यों हुआ, ये तो गलत है, मोदी जी लोगों को डुबा रहा है। इतना ही नहीं, कश्मीर मुद्दे पर भी कमला हैरिस ने अपना ज्ञान झाड़ा था, बोला था कि अब कश्मीर में क्या हो रहा है, हम सब कुछ देख रहे हैं, कितना अत्याचार हो रहा है, आखिरकार दुनिया चुप क्यों। दोस्तों कमला हैरिस के इसी रवैये पे पूरे भारतवासी आज भी दुखी है। और इसीलिए जब अमेरिका में एक भारत का खासतौर पे आदमी राष्ट्रपति बन रहा, हम लोग यहाँ पे दोस्तों खुशी नहीं मनाए, हम लोग आराम से चुपचाप थे, क्योंकि पता था ये आदमी केवल नाम के लिए भारतीय हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है, वही कमला हैरिस ने अब की बार भारत से मदद मांगा है, भारत को बहुत कुछ कहा है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारत सरकार यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी हाल ही में अमेरिका दौरे पे गया हुआ है, और अमेरिका में दोस्तों कई तरह का मीटिंग है, जैसे क्वाड का मीटिंग है, खासतौर पर मोदी जी को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक भाषण देना है। दोस्तों मोदी जी अब जानते हैं स्कॉट मॉरिसन यानी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से ऑलरेडी 1-to-1 मीटिंग कर चुका है, यहाँ तक कि जापान के प्रधानमंत्री सुगा से भी दोस्तों मीटिंग किया है, कल ही की बात है। और बड़ी बात तो यह है, कल ही रात में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने खासतौर पे कमला हैरिस से मुलाकात किया, 1-to-1 मीटिंग हुआ। और दोस्तों बहुत बड़ी बात है, उस मीटिंग में जो निकल के आ रही ना, दुनिया हैरान है। दरअसल कमला हैरिस ने सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री को बधाई दिया और उसके बाद फिर अपना तमाम दुखड़ा सुनना शुरू कर दिया। कमला हैरिस ने सबसे पहले कहा कि हमें आज आश्चर्य हो रहा है कि दुनिया में लोकतंत्र खतरे में है, दुनिया में लोकतंत्र पर अत्याचार हो रहा है, लोकतंत्र को सब ध्वस्त करना चाह रहा है और सब लोग चुप है, इसीलिए हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बोल रहे हैं कि हमारा आप साथ दे, हमारे साथ खड़े रहे और हम लोग मिलकर फिर से लोकतंत्र को बचाएंगे, नहीं तो इस दुनिया पे खासतौर पे कट्टरवाद हावी हो जाएगा, कम्युनिज्म हावी होगा। दोस्तों कमला हैरिस को अपना औकात पता चल गया, उन्होंने खासतौर पे चीन को इशारे में बोला कि ये देश अगर आगे बढ़ेगा तो लोकतंत्र हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, बिना भारत के हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसीलिए भारत सरकार हमारा साथ दे, हम भारत से कदम मिला के चलना चाहते। दोस्तों ये बात तो ओपनली बोला, भारत को भी यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार जो अपने आप को महाशक्ति बोला था, जो महिला अपने आप को ताकतवर बोल रही थी, आखिरकार इसे क्या हो गया है, अब तो कम्युनिज्म से डर रहे। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, कमला हैरिस ने भारत को विश्वास दिलाया, उन्होंने ओपनली एक संदेश दिया कि देखो भाई, हम चुनाव से पहले जैसे थे वह बदल चुके हैं, चुनाव जीतने के लिए ऐसा हम कर रहे थे, लेकिन हम जानते हैं अमेरिका का कितना बड़ा मुसीबत है। उन्होंने कहा कि अगर आपको हम पे विश्वास न हो तो हम पाकिस्तान का नाम भी ले रहे हैं। दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान को भी खूब घेरा, बोला कि पाकिस्तान आतंकवादियों का घर है, पाकिस्तान में आतंकवादी फलता फूलता है, पाकिस्तान में जो आतंकी एक्टिविटी है वो दिन रात बढ़ रहा है और भारत पे हमला होने वाला है, हमें पता है। दोस्तों ये बात कौन बोली? कमला हैरिस बोली कि
हमें सब कुछ पता है कि भारत पे हमला होने वाला है और हमारे ऊपर यानी कि अमेरिका पे भी बहुत बड़ा हमला होने वाला है। इसलिए हम दोनों को मिलना ही होगा, हम दोनों को एक साथ आना ही होगा और हम दोनों मिल के पाकिस्तानी आतंकवादी को हमेशा हमेशा के लिए कब्र खोदेंगे। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही कमला हैरिस पाकिस्तानी को खुश करने के लिए चुनाव में कई तरह का वचन दिया था। और बड़ी बात तो यह है, उन्होंने ओपनली पाकिस्तानी आतंकवादी का नाम भी लिया और पाकिस्तान का भी नाम लिया। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, पाकिस्तान को चारों खानों ने चित कर दिया और कमला हैरिस ने ओपनली जो मदद मांगा है ना, दुनिया हैरान हो गया है। सब समझ गया है कि जो भारत से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, देश को तरक्की करना है, तो भारत से हाथ मिलाना ही होगा। दोस्तों ये संदेश आज पूरी दुनिया में जा चुका है। इन सब के अलावा कमला हैरिस ने ओपनली कहा कि हम भी चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र पूरी तरह से खुला रहे, हम भारत साथ हाथ मिला के चलेंगे। ये AU QoS ये सब है ना, ये सब कुछ नहीं है, ये सब तो केवल हम लोग अपने आप को कमाने के लिए किए हैं। यानी उनका साफ तौर पर इशारा था कि हम पैसा के लिए से किए हैं, हमें $90 बिलियन अगर असल से मिलेगा तो क्या चाहिए, हमें तो पैसा मिलेगा ना, इसीलिए हमने ये AU QoS साइन किया है। हमारा मकसद ये नहीं था कि हम क्वाड को कमज़ोर बनाएं, पैसा के लिए कोई भी झुक जाता है। दोस्तों इशारा सर हमें बता दिया कि पैसा के लिए हमने फ्रांस को धोखा दिया और आज खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया से AU QoS साइन किए हैं। बड़ी बात तो यह दोस्तों, कमला हैरिस ने इंडो पैसिफिक पे बहुत कुछ बोली और यहाँ तक कह दिया कि भविष्य में अगर चीन जैसा देश को रोकना है तो हम लोग को एक होना ही होगा, अगर आतंकवाद को ख़त्म करना होगा तो पाकिस्तान को मिटाना होगा। दोस्तों तरह तरह की बातें किया और यहाँ पे भारत सरकार खुश होके गदगद होके कमला हैरिस को बोला कि ठीक है एक काम करो, आप तो ऐसे भी भारतीय मूल से हैं और हमें तो गर्व हो ही रहा है, साथ में पूरे दुनिया को आप पे गर्व हो रहा है और हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको अपने देश में बुलाया जाए, आपको मैं न्योता दे रहा हूँ कि आप आइए, आपका पति सब कोई भारत घूमिए और जो भी भारत से यादें जुड़ा हुआ है उसे आप लोग फिर से एक बार सिमटिए। दोस्तों बहुत बड़ी बात है और भारत ने ओपनली बता दिया है कि अगर किसी नेता के पास अच्छा विजन हो, अच्छा सोच हो, कुछ भी कर सकता है। दोस्तों आप जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री कल ही अमेरिका के 5 टॉप सीईओ यानी कि 5 बड़े बड़े कंपनी, अमेरिका जो सबसे धाकड़ कंपनी है, उस 5 कंपनी के सीईओ से मुलाकात किया है और भारत में आने का न्योता दिया है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, इन 5 कंपनी के सीईओ ने पहले कहा कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुआ है, मोदी जी ने हमें बहुत बड़ा ऑफर दिया है, हम बहुत जल्द भारत में अपना इन्वेस्ट बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, यानी कि भारत ने एक ही सराह में सब काम कर लिया, यहाँ तक कमला हैरिस को भी अपने औकात दिखा दिया और अमेरिका का सीईओ को भी न्योता दे दिया। और बड़ी बात तो यह है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दोस्तों वहाँ पर जाके भाषण भी देगा और क्वाड का भी मीटिंग होगा जिसे चीन और पाकिस्तान का होश उठना तय है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और जो लोग कल तक कह रहा था कि भारत का विदेश नीति बिल्कुल ही असफल हो चुका है, भारत अब अमेरिका से दूर जाएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडन एंटी इंडिया है, कमला हैरिस एंटी इंडिया है, दोस्तों उसका भ्रम अब दूर होते जा रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सबका भ्रम दूर होते जा रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, कमला हैरिस को पता चला कि भारत का क्या पावर है, इसीलिए उन्होंने ओपनली भारत से इस तरह का मदद मांगा है और बहुत जल्द अब 1-to-1 मीटिंग हुआ दोस्तों जो बाइडन से, मोदी जी का 1-to-1 मीटिंग बाइडन से होने वाला है।